हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उम्मीदों का प्रभात के आज के इस वीडियो में। जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लोग हैं कक्षा 11 एनसीईआरटी भौतिकी भाग 2 के सबसे लास्ट चैप्टर अध्याय 15 पर, जिसका नाम है तरंगे। जी हाँ, तरंगे वेव्स में है हम लोग। और यहाँ पर देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन पर है वो है 15.1। जी हाँ, 15.1 क्वेश्चन पर हम लोग हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2.5 केजी द्रव्यमान की एक, यानी कि 2.5 केजी का कोई द्रव्यमान है, कुछ है इतने का, क्या है? एक 20 सेंटीमीटर लंबी तानित डोरी। अब देखिए यहां पर हमें शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है? देखिए बुक में कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया है, जिसमें कि एक मिसप्रिंट ये भी है। अब आप सोचो कि 2.5 किलो द्रव्यमान का, यानी कि 2.5 किलो द्रव्यमान की एक 20 सेंटीमीटर लंबी रस्सी। अब 20 सेंटीमीटर अगर आप गेस करो तो माइंड से देखो स्केल आपकी कितनी बड़ी होती है, 15 सेंटीमीटर की, थोड़ा सा आप और ले लो, 20 सेंटीमीटर आपका इतना होता है। अब आप सोचो कि 20 सेंटीमीटर की कोई डोरी कैसे 2.5 किलो की हो सकती है। आप सोचिए इतनी बड़ी डोरी 2.5 किलो की कैसे हो सकती है, और उसमें सोचिए हम कैसे। तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमें कुछ अटपटा लग रहा है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे वास्तव में मिस्टेक है। चलिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर अपने मिस्टेक को सुधारते हैं। तो देखिए 2.5 केजी द्रव्यमान की एक 20 सेंटीमीटर लंबी तानित डोरी पर, यानी कि कोई डोरी इस तरह से, चलिए देखिए इसका हम थोड़ा फिगर भी बना दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा इसका कंसेप्ट बन जाए। ये इस तरह से कोई तानित डोरी, इस तरह से कोई तानित डोरी है, और इस डोरी में क्या किया जा रहा है, इस पर कितना बल लगा हुआ है, 200 न्यूटन का बल भी इस पर लगा है, यानी इस पर जो टी है, टेंशन है, वो कितना है, 200 न्यूटन का बल इस पर लगा हुआ है। और यदि इस डोरी के एक सिरे को अनुप्रस्थ झटका दिया जाए, अनुप्रस्थ झटका यानी ऐसे, अगर ऐसे मान लीजिए, जैसे देखिए इस तरह से, अगर ऐसे अगर इसको थोड़ा सा कर दिया जा रहा है, इस तरीके से अगर कर दिया जा रहा है, तो उत्पन्न विक्षोभ, यानी ये जो विक्षेप होगा, अब जैसे देखिए यहां ऐसे अगर उठा है तो देखिए ये ऐसे होते हुए एकदम लास्ट तक जाएगा, तो ये लास्ट तक कह रहा है कितने समय में पहुंचेगा। जी हाँ, ये हमें फैक्ट चीज पूछा है, कितने समय में पहुंचेगा। देखिए ये बहुत ही फैक्ट चीज हमें पूछा हुआ है, तो ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले तो देखिए हम लोग गलती अपनी सुधारेंगे। आप चाहो तो 20 सेंटीमीटर लेके भी हल कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपका आंसर बुक से ना मैच करे। तो चलिए हम सब लोग इसको सेंटीमीटर न कह के हम इसको कह ले रहे हैं मीटर, और मीटर के अनुसार हम इसको रखेंगे, ठीक। तो अब देखिए बात आ रही है समय की। अब तो देखिए यहाँ पे हमें समय पूछ रहा है। अगर हम अपने कॉमन सेंस की बात करें तो देखिए एक चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और आप देखो कि ये आगे बढ़ रहा है तो इसमें ये तो होगा ही। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या पढ़ा है? चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां से अगर हम समय निकालें, जो कि हमें पूछ रहा है कितने समय में, अगर हम समय निकालें तो दूरी बटा चाल। अब अगर हम ध्यान से देखें, देखिए 20 सेंटीमीटर जो कि हम लोगों ने मीटर बना दिया, 20 मीटर लंबी, यानी कि दूरी हमें पता है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 20 मीटर लंबी, ठीक है। लेकिन हम लोग को चाल नहीं पता है, हम लोगों को चाल नहीं पता है। तो देखिए यहां तक तो हम लोग अपनी कॉमन सेंस से ही पहुंच गए। अब यहां पर हम लोग चैप्टर में आते हैं। तो देखिए अगर हम इस सिचुएशन की बात करें जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो तानित डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल कितना होती है, कि वो क्या होती है, v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू, यही होती है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये टी क्या है, जहां टी तनाव तथा म्यू प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है।
अब देखिए यहां पर हम लोगों को टी तो पता है, यहां पे हम लोगों को टी तो पता है, लेकिन ये म्यू नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग म्यू निकालते हैं। तो म्यू बराबर हो गया, यहां म्यू बराबर हो गया प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अब प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब कि द्रव्यमान है, ये क्या है, ये है द्रव्यमान, ये क्या है, ये है द्रव्यमान। तो चलिए देखते हैं द्रव्यमान कितना दिया है। द्रव्यमान दिया है यानी कि यम ऊपर रहेगा और जो एल है वो कहां रहेगा, नीचे। तो द्रव्यमान 2.5 है और लंबाई कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर। तो देखिए जब हम इसको करेंगे तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, देखिए सबसे पहले तो इसको हम काटेंगे, तो चूंकि यहाँ पे चलिए जीरो भी बढ़ा ले रहे हैं जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यहाँ पे हम जीरो बढ़ा ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये, अब इसको अगर हम दो से काटेंगे तो ये आएगा 125, देखिए 125 और 2 × 1 = 2। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे 10 आ रहा है, तो जब हम नीचे से 10 लाएंगे तो ये 10 यहाँ से खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना केजी प्रति मीटर, इतना केजी प्रति मीटर। ये हमारा आ गया म्यू की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है। तो देखिए यहां से हमें वी मिल जाएगा, और जब हमें वी मिल जाएगा तो यल हमारे पास है ही, हम समय आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वी। तो हम लिखेंगे तब वी बराबर, वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी, टी कितना है 200, और बाई म्यू, म्यू कितना है 0.125। अब देखिए इसको हम हल कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर नीचे आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, दशमलव लगा हुआ है। अगर हम दशमलव हटाना चाहते हैं तो हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक पर दशमलव है, 125 है, 0.125 है, यहां से हम दशमलव हटाना चाहते हैं तो हमें ऊपर 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब हम इसको काट देते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आएगा देखिए 125 से अगर हम काटें तो 125 एक का हो जाएगा 125, या फिर चलिए छोटे छोटे पट्टर में ही काट ले रहे हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, और यहां जो हो जाएगा जो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 × 4 = 20, और यहां पे कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। तो यहां पर हो गया टोटल यहां 4, और इसके बाद 4 जीरो हो गया और नीचे हो गया 25। अब अगर हम फिर से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 25 एक का 25 और ये बचेगा 15, तो यहां पे 25 × 6 = 150, और यहां पे 1600। तो देखिए इस तरह से टोटल कट जाएगा, यहां पे एक बचेगा, तो यहां पे जो फाइनली आएगा वो आएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि ये वेग है, ये क्या है, वेग है। अब देखिए हमारे पास वी की वैल्यू हो गई है, तो हम यहां लिखेंगे अतः उत्पन्न विक्षोभ, अतः उत्पन्न विक्षोभ का, अतः उत्पन्न विक्षोभ को दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय, दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय। तो देखिए ये समय हम निकाल लेंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, लगा, चलिए यहां समय लिख ले रहे हैं हम लोग, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा लोग का है कितना, 20, और चाल कितना है, चाल है 40। देखिए दूरी है 20 और ये जो है, तो यहां पर देखो आप कट जाएगा 2 × 20 = 20, 2 × 40 1/2 आएगा, और जब हम 2 में 1 का भाग करेंगे तो ये आएगा 0.5 सेकंड। तो देखा आपने इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जो बुक में यही आंसर दे रहा है, अगर अगर हम यहां पर 20 सेंटीमीटर लेकर के अगर हम चलते तो शायद हमारा उत्तर दशमलव में थोड़ा डिफरेंस होता। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।